हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज फिर से एक मरतबा आपके सामने। आज भाई बहुत ही बेहतरीन व्लॉग बनने वाला है, क्योंकि मैं अपने एक फ्रेंड के पास दावत पे जा रहा हूँ। यार आप भी साथ चलो, मिलते हैं दावत पे। रास्ते में हूँ, थोड़ा रास्ते का नज़ारा भी देख लो, फिर इसके बाद पहुँचते हैं घर, कपड़े चेंज करते हैं, फिर इसके बाद निकलते हैं भाई दावत पे। दावत कैसी होती है बने रहो वीडियो में, तो देखने को मिलेगा, स्किप करोगे तो देखने को नहीं मिलेगा भाई, साफ बात है। तो चलो चलते हैं यार, चले चलो। सो गाइस, आज बारिश हुई है झमाझम, एक जगह रास्ता भी कट गया था, लेकिन चलो अपन निकल के आ गए। और बारिश हुई है जबरदस्त, इस वजह से मौसम भी हो गया जबरदस्त। और आप देख सकते हो कि शाम का वक्त हो चला है, लेकिन देखो आप नजारे देख लो आप, क्या ये खूबसूरत पहाड़ अपने जो है रूप दिखा रहे हैं। तो रास्ते अपने जो है ना, ये रोड भी अपना एक रूप दिखाता हुआ चला रहा है। बढ़िया मौसम, बिल्कुल खूबसूरत मौसम हो चला है, बिल्कुल जबरदस्त। ओह सो गाइस, सामने जो लाइटें दिख रही है, हमारा गांव है उधर, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो चलते जा रहे हैं, शाम का काफी वक्त हो चला यार, काफी देर हो गई आज मुझे। दावत पे भी तो जाना है, आपको बताया था जान। गाइस इसको देख लो, अपना मुंह नहीं साफ करता है, वाइप्स को देख के ही ये भागता है। चलो इधर आओ, इधर आओ, चलो। लेके नहीं जाऊंगा, फिर बोल रहा हूँ मैं, लेके नहीं जाऊंगा। इधर अच्छा बच्चा है ना, अच्छा बच्चा है ना, आजा आजा, और थोड़ा सा लगाऊंगा, थोड़ा सा लगाऊंगा, आजा आजा, अच्छा बच्चा है ना, अच्छा बच्चा है, मैं अच्छे से साफ करूंगा ना। देखो ये देखो, ऐसे साफ करेंगे हम, ऐसे करके साफ करेंगे। देखो ये हो गया साफ, हो गया। अब देखो कितना अच्छा दिख रहा है, मुंह साफ हो गया तुम्हारा। ए अच्छा लग रहा है। हाँ सो गाइस, फाइनली हम तैयार हो गए हैं और हम अब निकलने वाले हैं। चलो चलते हैं बगैर किसी देरी के, उनको भी भाई हमारा वेट क्यों कराए। तो चलो चलते हैं भाई। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 गाइस, जस्ट अभी हम इस रिजोर्ट में पहुंचे हैं। नाम अभी मुझे नहीं पता है, मेरे फ्रेंड का है, भाई का है। तो गाड़ी मैंने यहाँ पे लगा दी है और घर वाले आगे निकल गए हैं। बहुत ही सुंदर लाजवाब बनाया है भाई ने। और यहाँ पे सारे क्लाइंट के बाइक्स, इधर टैक्सियाँ खड़ी हैं, पूरा खचाखच माशाल्लाह भरी हुई है। मेरी दुआ है कि भाई का ज़बरदस्त चले। बहुत कुछ बना हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे फाउंटेन है, लेकिन थोड़ा अंधेरा है, दिख नहीं रहा है, अभी चालू नहीं है। तो यहाँ पे एक गजेबो, क्या बोलते हैं यार, गजेबो ही बोलते हैं, यहाँ पे एक गजेबो है, ये आप देख सकते हो। और इसके चारों तरफ से आपको ये रूम दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारा लाजवाब, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह बना हुआ है, आप देख सकते हो। अभी मैं इसका रिजोर्ट का नाम मैं पूछ के जो है ना, भाई से पूछ के मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ इस तरह से है, भाई ने आज ये खुल के 2 दिन हो गया है, ओपनिंग नहीं किया है, मतलब एक लेकिन भाई ने मुझे बुलाया है घर वालों के साथ, तो हम आए हैं यहाँ पे। सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, देखो आप, ये है डाइनिंग हॉल, सामने मैं इशारा कर रहा हूँ। और सारे ये आजू बाजू जो देख रहे हो आप, ये सारे कमरे बने हुए हैं। तो गाइस, ये मेरे भाई है हैदर साहब, और ये अब्दुल मजीद। ये भाग क्यों रहा है कैमरे के सामने, इधर आना। डाइनिंग हॉल है आपको, यहाँ पे सारी फैमिली बैठी हुई है, ये सारे लोग, और क्लाइंट भी है साथ में। गाइस अभी मैंने भाई से पूछा, भाई को कैमरे पे आने के लिए कहा, लेकिन भाई नहीं आए, थोड़ा सा बिजी थे। तो इस रिजॉर्ट का नामकरण जो हुआ है वो है वाइट सैंड रिजॉर्ट।
कमरे नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि सारे फुल हैं, तो कभी एक आध दिन में अगर खाली रहते हैं तो मैं फिर उसके ऊपर, अगर आप बोलो, अगर आप कमेंट्स करके बोलो तो मैं इसके ऊपर एक अच्छा सा एक कमरों का भी जो है ना रिव्यू मैं दिखाता हूँ आपको, और इसका प्राइस वगैरह भी मैं सारा डिस्क्लोज करूँगा उस वीडियो में अगर आप चाहो तो। बाकी अच्छा माहौल है, अच्छा बना हुआ है, 2 दिन हुए हैं स्टार्ट होके, ऊपर वाला इनको तरकी दे, जितना इन्होंने खर्चा किया उससे ज़्यादा इनको तरकी दे। बस सभी लोग दुआ करें भाई के लिए, अच्छा चले यार रिजॉर्ट, बहुत खर्चा किया है, बहुत मेहनत हुई है, रात रात जो है उठकर काम किया है इन्होंने। तो अभी खाना खाते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, फिर इसके बाद निकलते हैं घर के लिए। तो चलो चलते हैं, खाना खाते हैं पहले। कहाँ बैठोगे? यहाँ पे बैठोगे? हाजी साहब है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। आप साहब के सामने ये मामी है, उधर हमारी दीदी है, ये भैया बैठे हुए हैं और उनके लड़के हैं, सारे लोग बैठे हैं। खाना खा के आप थोड़ा सा आराम करके डेजर्ट खाने की मूड में है सब। सो गाइस, रात बहुत काफी हो चली थी इसलिए कल रात जो है वीडियो को जो है मैं समाप्त नहीं कर पाया था, इसलिए अभी सुबह के वक्त आपसे वार्तालाप हो रहा हूँ। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखें। मिलते हैं किसी दूसरी जगह पर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दे भाई को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।